हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप तो कल जो हमने पढ़ा था वो सब आप लोगों सबने पढ़ा होगा। तो आज हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो कल हमने अभी तक की क्लासेस में क्या देखा था? हमने देखा था कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आज हमारे पास रूल्स फॉर ऑपरेटिंग ऑन इंटीजर में क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ ये कम्यूटेटिव लॉ लिखा तो है, पर इसका मतलब क्या है हमें ये समझना है। एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर ओबे एसोसिएटिव लॉ। अब ये जो दो चीज़ें लिखी हुई है इसका मतलब समझना है हमें। हमें कुछ मैथ्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम आज की क्लास हम जस्ट उन प्रॉपर्टीज को समझने में लगाएंगे, और ये जो दो चीज़ें लिख रखी है यहाँ पे वो हम समझने पे लगाएंगे, ठीक। और एक और यहाँ लिखा हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव जो लिखा है ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो आज हम पहले चार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। आइडेंटिटीज बाद में आपके पास आएंगी ही चैप्टर में, लेकिन आज हम सबसे पहले चार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है तो 8th क्लास में इनका बड़ा सा एक सारी प्रॉपर्टीज का बड़ा लेक्चर चल रहा है। अभी जस्ट मैं आपको ओवरऑल ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज है क्या। वैसे तो हमें ये डीपली डिस्कस करनी है और आगे के चैप्टर्स में ये आएंगी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इवन आप लोगों ने अगर 6th में पढ़ा भी होगा, जो बच्चे एमिनेंस में थे पिछले साल भी, उन सब ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। मैंने ही पढ़ा है तो आई नो पढ़ा होगा, बट हम लोग एक बार जस्ट फिर से रिव्यू कर लेते हैं ना। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथा हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। हम चारों को जल्दी से एक बार देख लेते हैं। क्लोजर का मतलब क्या है? आपके बुक में अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्लोजर नहीं है। अभी क्लोजर के बारे में अभी कुछ लिखा नहीं है, बट फिर भी एक बार समझ लो ताकि फ्यूचर में काम आएगा, है ना। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, क्लोजर सबसे सिंपल है। तो क्या होता है ये प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कुछ ऑपरेशंस, कुछ नंबर्स, कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो अब वो क्या है, अब जैसे मैं बताऊं कि अगर हम सेम तरह के दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर अगर सेम आएगा, सेम उसी तरह का नंबर आएगा, तब हम उसे कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम टाइप तरह टाइप्स के नंबर मतलब क्या, हमने बहुत सारे टाइप के नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़ा था ना, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब पढ़े थे हमने। ऐसे पढ़े थे याद है कुछ, नेचुरल नंबर, होल, स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमें यही पढ़ा था, इंटीजर, रैशनल नंबर। तो हाँ, अगर नंबर दोनों नंबर सेम तरह के हो, सेम तरह के दो नंबर को ऐड करें और उसका आंसर सेम आए, तब हम उसे कहेंगे नेचुरल नंबर। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हम पानी और पानी को ऐड करें तो पानी ही बनेगा ना। जब हम एक ग्लास, दो ग्लास में मेरे पास पानी है, मैं एक टब में डालूं, दोनों हाथ से टब में वो पानी डाल दूं, तो वो पानी ही बनेगा। अगर वो पानी ही बनेगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर हाँ पानी की जगह वो तेल बन गया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक मजाक के वे में आपका टीचिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैथ्स के टर्म में वही है, अगर सेम नेचुरल नेचुरल नंबर ऐड करो और आंसर नेचुरल नंबर ही आए तो वो मेरा क्लोजर नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। देखो हम समझते हैं क्या है ना, क्लोजर हम अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी की। आज के चैप्टर में हम सिर्फ इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। तो हम ये अभी हम बात कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सेम टाइप का, इफ द सेम टाइप्स ऑफ नंबर्स आर, नंबर्स आर ए आर ए आर ऑपरेटेड एंड द रिजल्टेंट रिजल्टेंट नंबर इज ऑफ सेम टाइप देन इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी,
अब मैं ये जो मैंने आपको इतनी देर बोला वही लिखा है। क्या अगर हम दो सेम टाइप के नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ भी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये करने पे दो सेम नंबर के बीच में वो ऑपरेशन करने पे आंसर भी सेम वही नंबर आता है तो मैं उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहता हूँ। ठीक है, तो हम देखें एक बार क्या होता है। देखो जैसे कि नंबर है मेरा, सपोज आज अभी हमारा चैप्टर इंटीजर है ना, चलो आप चलो ठीक है हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी देखना। ठीक है, अब मेरे को दो नेचुरल नंबर के एग्जांपल देने पड़ेंगे, ऑपरेशन दो नंबर के बीच में ही होंगे ना, तो दो नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। क्या 4 और 2 नेचुरल नंबर है ना, तो चलो हम देखते हैं। सबसे अब हमने कहा कि हमारे पास चार चीज़ें हैं देखने को, एक है एडिशन, एक है सब्ट्रैक्शन, एक है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ जल्दी से एडिशन देख लेते हैं। अगर मैं 4 प्लस 2 को ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6। 4 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 6 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होंगे वो सब नेचुरल नंबर है, तो 4 भी, 2 भी और 6 तीनों नेचुरल नंबर है। तो हाँ ये सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में, अगर कोई भी नेचुरल नंबर के बीच में क्लोजर एडिशन हो रहा हो तो जो आंसर जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। कोई डाउट, वापिस सुन लो, अगर दो नेचुरल नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब जल्दी से हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन देख लें, तो सब्ट्रैक्शन देखने पे देखो वही नंबर 4 और 2 देखते हैं, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यही है। अब ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, कोई डाउट। लेकिन अगर ये नंबर ऐसा होता 2 माइनस 4, 2 तो नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, आंसर मेरे पास आ रहा है इंटीजर। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो हर केस में काम नहीं करता, तो इसीलिए नेचुरल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। वापस सुनो, नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन एक क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम जल्दी से मल्टीप्लीकेशन का भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपको डाउट हो तो इसका देख लो, इसको करके देखो, 2 प्लस 4 करोगे तब भी नेचुरल नंबर ही आएगा, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और आंसर अभी भी नेचुरल नंबर आ रहा है। एडिशन किस हर केस में, हर अगर दुनिया में दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। अगर दुनिया में आप एक दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मे बी पॉसिबल है कि कभी आ जाए और कभी नहीं आए, मतलब 50-50 चांसेस है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन हमें क्या, अगर 100% प्रोबेबिलिटी 100% है कि आएगा ही, नेचुरल नंबर आएगा, तब हम उसे कहेंगे कि वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम जल्दी से तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है मल्टीप्लीकेशन, है ना। अब देखो 4 और 2 ही ले लेते हैं, 4 इंटू 2 करूंगा तो 8 ही आएगा, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। ठीक है, हर केस में कोई भी नेचुरल नंबर लोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन भी करता है। अब लास्ट हम देख लेते हैं डिवीजन। डिवीजन अगर मैं अभी यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 2 आएगा, तो आप लोग कहोगे सर ये तो हो रहा है, लेकिन सपोज यहाँ लिखा होता 4 डिवाइडेड बाई 3 तो ये तो 4 बाई 3 रैशनल नंबर बन जाता, या फिर 1.3 करके बनता तो ये एक डेसिमल नंबर बन जाता, है ना। तो ये किसी इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता। तो हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो नेचुरल नंबर में दो चीज़ों के लिए फॉलो करती है, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब हम जल्दी से इंटीजर के लिए देख, सेम नेचुरल नंबर के लिए भी वैसा का वैसा ही है, और रैशनल नंबर के लिए भी वैसा का वैसा ही है, और होल नंबर के लिए भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन हमारा चैप्टर इंटीजर है तो हम अभी जल्दी से एक बार इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, क्या है सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले है एडिशन। हम सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, एडिशन के लिए देखेंगे। तो मुझे बताओ दो रैशनल नंबर, दो इंटीजर्स में क्या ले सकता हूँ, क्या मैं इंटीजर्स को 5 और 4 ले सकता हूँ, आपकी इच्छा, 5 और 4 ले सकता हूँ ना इंटीजर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर क्या क्या होते हैं, इंटीजर होता है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कोई भी नंबर इसमें आते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर मैं ऐड करूँ 5 प्लस 4 ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, है तो हाँ
ये फॉलो करता है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, कि भाई 5 - 4 करूंगा 1 आएगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब आप बोलोगे उल्टा करके देखो, 5 - 4 - 5 - 1 ये भी इंटीजर है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी करता है। अब ये देखो 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, -1 भी तो इंटीजर ही है, इंटीजर में तो कोई फर्क थोड़ी। हमने पहला केस देखा था नेचुरल नंबर का, माइनस नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, पर इंटीजर तो होते हैं। तो क्या है इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर में एडिशन के लिए भी है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, ठीक है। कि अगर आप कोई भी नंबर को ऐड करो, कोई भी दो इंटीजर को ऐड करोगे तो उसका आंसर जो आएगा वो इंटीजर ही होगा, कोई भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे उसका आंसर जो आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस। देखो नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन नहीं आया था, लेकिन इंटीजर में सब्ट्रैक्शन एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन इंटीजर्स में नेचुरल नंबर एक इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो सेम हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं, 5 × 4 = 20, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो ये भी है। एक है हमारा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा साइड में ही देख लेते हैं साइड में। अब प्रॉब्लम है हमारी डिवीजन के साथ में, क्या कि 5 / 4 किया तो ये 5/4 बन गया, ये एक रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं आया मेरे पास। तो रैशनल नंबर को डिवीजन को छोड़ के बाकी जो तीनों चीज है वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, समझ आ गया। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इंटीजर का करवाऊंगा और नेचुरल नंबर का करवाऊंगा, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब हम जल्दी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, या फिर आज हम यहीं खत्म करते हैं। आज वापस आप लोग अच्छे से ये समझो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कल हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास, विल मीट टुमारो, बाय।